इस आज की इस क्लास के बाद में आप लोगों को पास्ट से रिलेटेड स्ट्रक्चर्स को लेकर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग सारे के सारे पास्ट के स्ट्रक्चर्स सीखने वाले हैं और साथ ही साथ उसकी प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं काफी सारे सेंटेंसेस मैंने लिए, इसके अलावा कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जो पास्ट में यूज होता है। कुछ आपको अगर मिल जाएंगे तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। सबसे पहले आप यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस देखिए, जिससे पहला वाला सेंटेंस लिखा हुआ है वह गया, ओके ये लिखा है वह गया। सेकंड दिया हुआ है वह गया था, फिर दिया हुआ है वह गया तो था, फिर दिया है वह जाने लगा, उसे जाना था, वह जाया करता था, वह जाते रहा, वह जा रहा था, वह जा सकता था, उसे जाना पड़ता था, उसे जाना चाहिए था, वह जाने वाला था। सो गाइस ये सारे के सारे सेंटेंसेस जो है ना वो पास्ट के हैं, और आपने अगर इन्हें सीख लिया तो यकीन मानिए आप काफ़ी सारे सेंटेंसेस इजीली बना सकते हैं, कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स की मदद से, कुछ टेंसेस की मदद से और कुछ मॉडल वर्ब्स की मदद से। अगर आप ये सीख लेते हैं तो पास्ट से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भी सेंटेंस आप ईजिली बना पाएंगे, उसमें गलती नहीं होगी। सो गाइस वीडियो का एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, लेट्स बिगिन। सो गाइस हमारा सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला स्ट्रक्चर हमारा दिया हुआ है, देखिए जब भी हमने किसी काम को किया, ठीक है पास्ट में जब हम बात करते हैं जिसमें हमने किसी काम को किया तो हम ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा पास्ट सिंपल टेंस, ठीक है जिसमें हमने किसी भी काम को किया, जैसे वह गया, वह आया, मैंने लिखा, उसने इंग्लिश बोली, मैंने सेंटेंसेस बनाए, इस तरह से। तो ऐसे जब सेंटेंसेस आपके सामने आते हैं तो आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करना होता है, जो भी काम आपका पास्ट में पूरा हो गया, ठीक है जैसे वह गया तो हमारा सिंपल सा सेंटेंस बन जाएगा ही वेंट। अगर हमने लिया मैंने पढ़ाई की या हमने पढ़ाई की थी तो हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा या सेंटेंस बन जाएगा वी स्टडीड, हमने सब्जेक्ट लगा दिया और फिर हम लोगों ने वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज कर लिया। फिर दिया हुआ है सरकार ने नई योजना लागू की, ठीक है तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट यहाँ पर सब्जेक्ट है तो हमारा सेंटेंस बनेगा गवर्नमेंट स्टार्टेड। क्यों लगा रहे हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पर शुरुआत की, लागू की, ठीक है लॉन्च्ड का यूज़ भी कर सकते हैं, स्टार्टेड का यूज़ भी कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट स्टार्टेड न्यू स्कीम। यहाँ पर देखिए तो आपका ये वाला जो सेंटेंस है किस में बन गया, पास्ट में बन गया, ठीक है। अगर और कुछ में सेंटेंसेस लूँ, जैसे मैंने कहा कि मैंने अपना काम पूरा कर लिया, आई कंप्लीटेड माय वर्क, आपने सब्जेक्ट लगाया और वर्क की सेकंड फॉर्म लगाई, आपने कुछ समय पहले या फिर कल या फिर दो दिन पहले जो जो भी काम आपने पूरे कर लिए थे आपको वहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ कर लेना है। जैसे वह चले गया था, मैंने अपना काम कम्प्लीट कर लिया था, मैंने वीडियो देख लिया था, उसने प्रैक्टिस कर ली थी, तो ये सारे के सारे सेंटेंसेस किस में बन जाएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म में, ये आपको याद रखना है। तो वो चले गया था, ही वेंट में आ गई थी, आई केम, मैंने लिख लिया था, आई रॉट, उसने खाना खा लिया था, ही एट फूड, ठीक है। या फिर अगर मैं कहूँ मैंने उसे इन्फॉर्म कर दिया था, आई इन्फॉर्म्ड हिम, क्लियर। तो जब भी ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आपने किसी काम को किया था वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज कर लेते हैं। आगे बढ़ेंगे गाइस, नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है हैड और वी थ्री। गाइस ये वाले स्ट्रक्चर का यूज होता है पास्ट के लिए, लेकिन इसमें और इसके पहले वाले स्ट्रक्चर में फिर क्या अंतर है, देखिए जो इसके पहले वाला स्ट्रक्चर होता है ना वो पास्ट में आपने किसी काम को कंप्लीट किया था आप उसके लिए यूज करते हो, तो फिर ये वाला भी तो उसी सेंस में यूज होता है। गाइस अगर आपको ये दोनों बीच में डिफरेंस जानना है कि पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट के बीच में क्या अंतर है तो इस पर ऑलरेडी मेरा एक वीडियो अपलोडेड है, आप वो देख सकते हैं, आपको दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर हम शॉर्ट में बात करें कि इसे हमें कब यूज करना है, तो जब आप पास्ट में पास्ट से पहले की बात करते हैं तब आपको वहां पर पहला टेंस पास्ट सिंपल और बाद वाला टेंस आपको ये वाला लेना पड़ता है। देखिए अभी तो हम इसको पहले तो शॉर्ट में समझते हैं कि जब हमने किसी काम को किया था या फिर हम ये कह सके कि हम कर चुके थे, है ना। जैसे अगर मैं कहूँ कि वह चले गया था या फिर वह जा चुका था तो ही हैड गॉन, वह आ चुका था, ही हैड कम। तो जिस भी काम को आप पूरा कर चुके थे वर्ब की थर्ड फॉर्म और हैड लगा देना है। इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा, इसके पहले हम लोगों ने वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया, लेकिन अब हम थर्ड फॉर्म का यूज कर रहे हैं। जैसे वह गया था, देखिए किया था हमने किसी काम को, तो सेंटेंस बनेगा ही हैड गॉन,
क्या बनेगा? ही हैड गॉन, हम यहाँ आए थे, तो वी हैड कम हियर, वी हैड कम हियर, हम यहाँ आए थे। टीचर ने अटेंडेंस लगाई थी, तो टीचर या फिर द टीचर का यूज कर सकते हैं हम। द टीचर हैड टेकन, यहाँ पर टेकन लगा रहे हैं क्यों? क्योंकि हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो द टीचर हैड टेकन अटेंडेंस, ठीक है, अटेंडेंस मतलब इन्हीं की टीचर ने अटेंडेंस लगाई थी। तो किसी भी काम को हमने किया था, मैंने खाना बनाया था, आई हैड कुक्ड फूड, मैंने खाना खाया था, आई हैड ईटन फूड, वह जा चुका था, ही हैड गॉन, मैंने लिख लिया था, आई हैड रिटन, क्लियर। तो जिस भी काम को आप कर चुके थे वहाँ पर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है हैड के साथ में। अब गाइस एक और स्ट्रक्चर हमारे पास में पास्ट का है, तो ये हमें कब यूज करना है? जब हम किसी काम को करते तो थे। क्या कहेंगे? कि जब हम किसी काम को करते तो थे। अगर मैं कहूं कि मैं इंग्लिश बोलती तो थी, वह यहां आता तो था, हम प्रैक्टिस करते तो थे, वह लिखता तो था, तो जब भी हम किसी काम को करते तो थे इस सेंस में बनाने के लिए हमें डिड लगा देना होता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। जैसे कि वह जाता तो था, ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, तो ही डेट गो। या फिर अगर हम ये कहें वह तुम्हें सब कुछ बताता तो था, तो वह तुम्हें सब कुछ बताता तो था, तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा ही डेट टेल यू एवरीथिंग। अब आप सोचेंगे डिड तो पास्ट वाले टेंस में लगता है, बिल्कुल लगता है, लेकिन जब आप किसी काम को करते तो थे ये बताने के लिए भी आपको डिड का यूज करना होता है। मैंने कोचिंग क्लासेस जाता तो था, या मैं कोचिंग जाता तो था, ठीक है, तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा आई डिड गो टू क्लासेस, मैं क्लासेस के लिए जाता तो था, या मैं कोचिंग जाता तो था, कोई भी आप सेंटेंस या वर्ड ले सकते हैं, क्लियर। सो गाइस जब आप किसी काम को करते तो थे वहां पर आपको डिड लगा देना है। मैं प्रैक्टिस करती तो थी, आई डिड प्रैक्टिस, मैं वहाँ जाती तो थी, आई डिड गो देयर, हम बातें करते तो थे, वी डिड टॉक, क्लियर। तो जब भी हम किसी काम को करते तो थे। आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस दिया हुआ है सब्जेक्ट प्लस स्टार्टेड एंड वर्ब में आएंगे। किसी आपको कब यूज करना है? जब आपने किसी काम की शुरुआत कर दिया, या हम ये कहें कि जब आप किसी काम को करने लगे, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि मैं इंग्लिश बोलने लगी, या फिर वह पढ़ाने लगा, मैं समझने लगी, वह काम करने लगा, हम प्रैक्टिस करने लगे। तो जब भी हम किसी काम को करने लगे, हमने करने की शुरुआत कर दी, ऐसे सिचुएशन में हम लोग सब्जेक्ट के बाद में स्टार्टेड लगाएंगे और वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। जैसे अगर मैं कहूँ कि वह जाने लगा, तो सिंपल हमारा सेंटेंस बनेगा ही स्टार्टेड गोइंग। ये देखिए, he started going, मतलब वह जाने लगा। वैसे ही अगर मैं कहूँ कि मैंने उससे डांटा और वह रोने लगा, या फिर अगर मैंने कहा कि मैं पढ़ाने लगी, तो करने लगे हम किसी काम को, तो पहला सेंटेंस देखिए हमारा इसमें क्या है, मैंने उसे डांटा। अब ये एक पास्ट है जो हमने सबसे पहले देखा था वर्ब की सेकेंड फॉर्म में, तो सेंटेंस आ जाएगा आई स्कॉल्ड इट हिम। क्या आ गया? आई स्कॉल्ड इट हिम। फिर है और वह रोने लगा, एंड ही started and he started crying, देखिए, and he started crying, वह रोने लगा। तो I scolded him, मैंने उसे डांटा, and he started crying, और वह रोने लगा। तो ये वाला जो sentence है ये हमने V2 में बनाया है, और रोने लगा मतलब देखिए करने लगे किसी काम को, तो ये वाला हमने started और verb में ing में बना दिया। वैसे ही अगर मैं कहूँ हम खेलने लगे, तो sentence हमारा बन जाएगा We started playing। क्या बनेगा सेंटेंस हमारा? We started playing, हम खेलने लगे। वह पढ़ाने लगा, he started teaching, मैं बोलने लगी, I started speaking, वह हंसने लगा, he started writing। तो जब हम किसी काम को करने लगे, है ना, लिखने लगा तो started writing, हंसने लगा तो started laughing। तो जब हम किसी काम को करने लगे वाली सिचुएशन में started का यूज हो जाएगा। नेक्स्ट गाइस हमारा सेंटेंस है had to। देखिए, जब हमें किसी काम को पास्ट में करना था या फिर करना पड़ता था, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग हैड टू का यूज करेंगे। जैसे अगर मैं कहूँ कि मुझे वहाँ जाना था, आपको कल क्लास अटेंड करनी थी, है तो ये पास्ट का ही, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन अलग है।
यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि हमें किसी काम को करना था, मुझे तुम्हारी मदद लेनी थी, मुझे प्रैक्टिस करना था, मुझे समझना था, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में या फिर किसी काम को करना पड़ता था वाले सिचुएशन में हम लोग हैड टू लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो अब से आपको अगर कहीं भी हैड टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख रही है, आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर इसका क्या मीनिंग निकल रहा है। जैसे हमें वेकेशन पर घूमने जाना था, तो वी हैड टू गो फॉर वेकेशन, क्या बन जाएगा सेंटेंस हमारा, हमें आ रहा है तो इसलिए वी आ जाएगा। फिर हमें हैड टू लगाना है तो वी हैड टू गो, ठीक है, फॉर वेकेशन, हमें वेकेशन के लिए जाना था। उसे इस बारे में झूठ नहीं बोलना था तो उसे ही हैड टू, अगर हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं तो नहीं को हटा देते, ही हैड टू टेल अ लाई, उसे झूठ बोलना था, ठीक है। कोई ऐसे सिचुएशन है जहाँ पर वो झूठ बोलने से पिटाई से बच सकता था, कुछ अच्छा हो सकता था, तो हम कह रहे हैं कि यार उसे झूठ बोलना था, तो ही हैड टू टेल अ लाई। राम को ट्वेल्थ में और मेहनत करनी थी, ये देखिए करनी थी, ये हमारी ज़रूरत को शो करता है ना। तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा, राम हैड टू वर्क हार्ड, राम हैड टू वर्क हार्ड मोर इन ट्वेल्थ, इन ट्वेल्थ, ठीक है। राम हैड टू वर्क हार्ड मोर इन ट्वेल्थ, मतलब ट्वेल्थ में राम को और मेहनत करनी थी, आ रहा है समझ में। तो जब भी हमें किसी काम को करना था आप वहाँ पर हैड टू का यूज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते गए, नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर दिया हुआ है यूज टू। देखिए ये मैं कई बार पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन आप ध्यान रखेंगे जब भी पास्ट में रिपीटेड एक्शंस होते हैं, आप कोई काम अक्सर किया करते थे, बार बार किया करते थे, पास्ट की हैबिट को शो करता है यूज टू। कब? जब हम किसी काम को किया करते थे। जैसे कि अगर मैं कहूँ मैं स्कूल जाया करता था, वह प्रैक्टिस किया करता था, वह यहाँ आया करता था, तो रिपीटेड एक्शन पास्ट की हैबिट्स के लिए। तो मैं स्कूल जाया करता था, कैसे, एक चीज़ ध्यान रखना है कि जितने भी स्ट्रक्चर्स आप लोग पढ़ रहे हैं ये है तो पास्ट के, लेकिन सभी में आप अलग अलग स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे क्योंकि इसके हिंदी आइडेंटिफिकेशन अलग है, ठीक है। तो मैं स्कूल जाया करता था का सेंटेंस हो जाएगा आई यूज्ड टू गो टू स्कूल, आई यूज्ड टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाया करता था। वह प्रैक्टिस किया करता था तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा ही यूज्ड टू प्रैक्टिस, ही यूज्ड टू प्रैक्टिस, वह प्रैक्टिस किया करता था। वह यहाँ आया करता था तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा ही यूज्ड टू कम हियर। So, ये वाला स्ट्रक्चर गाइस हम यूज करेंगे जब हम किसी भी काम को पहले किया करते थे, हैबिट थी हमारी अक्सर किया करते थे लेकिन अब नहीं करते हैं। तो आपको ये स्टार्टिंग का जो टेस्ट है ना वो जरूर देना है, जब हम सारे सेंटेंसेस कंप्लीट कर लेंगे तो स्टार्टिंग में मैंने आपको जो सेंटेंसेस दिए थे वो आप लोगों को ट्रांसलेट करना है। गाइस नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है कैप्ट प्लस आईएनजी, ये हमें तब यूज करना है जब हम किसी काम को करते रहे, ठीक है, लगातार करते रहे, कुछ समय तक करते रहे, तो आप कैप्ट प्लस आईएनजी का यूज़ करेंगे। जैसे अगर मैं कहूँ वह बोलता रहा, हम सेंटेंसेस बनाते रहे, वह लिखते रहा, हम प्रैक्टिस करते रहे, वह सोते रहा, तो जब हम किसी काम को करते रहे वहाँ पर कैप्ट के साथ में आईएनजी आ जाएगा। जैसे अगर मैंने कहा वह जाते रहा तो सेंटेंस क्या बनेगा, ही कैप्ट गोइंग, ही कैप्ट गोइंग, ठीक है। या फिर अगर मैं कहूँ कि मैं पढ़ाई करती रही, या फिर रवि मुझे धोखा देते रहा, हम बातें करते रहे, तो रवि मुझे धोखा देते रहा, तो सेंटेंस बनेगा रवि कैप्ट चैटिंग मी, ठीक है, रवि कैप्ट चैटिंग मी, हम बातें करते रहे, वी कैप्ट टॉकिंग, हम बातें करते रहे, आ रहा है समझ में। तो जब भी हम किसी काम को करते रहे, वह हंसते रहा, ही कैप्ट लाफिंग, मैं समझाती रही, आई कैप्ट एक्सप्लेनिंग, मैं पढ़ाई करती रही, आई कैप्ट स्टडिंग। सो गाइस ये भी आप स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे पास्ट के लिए जब आपने किसी काम को जारी रखा, आप करते रहे उस सिचुएशन में, ठीक है। नेक्स्ट गाइस हमारा स्ट्रक्चर दिया हुआ है वर्ड्स वर्क प्लस आईएनजी, ये तो आप काफ़ी अच्छे से जानते हैं, ये टेंस का स्ट्रक्चर है। जब हम किसी काम को कर रहे थे, जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं इंग्लिश बोल रही थी तो क्या होगा, आई वॉज स्पीकिंग इंग्लिश, आप
कर रहे थे किसी काम को, है ना, वह जा रही थी, वह हंस रहा था, मैं रो रही थी, वह पढ़ा रहा था, तो ऐसे सिचुएशन में वॉज वर्ब के साथ आएंगी। जैसे देखिए, मैं पढ़ रहा था या मैं पढ़ाई कर रहा था, वे खेल रहे थे, हम उसका इंतजार कर रहे थे, तो मैं पढ़ रहा था, सेंटेंस क्या बन जाएगा, आई वॉज स्टडिंग। ठीक है, टेंसेस आते हैं तो ये वाला तो आपको पता होगा। वैसे ही वे खेल रहे थे तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा दे वर प्लेइंग। वे खेल रहे थे तो सेंटेंस हमारा होगा दे वर प्लेइंग। हम उसका इंतजार कर रहे थे तो वी वर वेटिंग फॉर हिम। हम उसका इंतजार कर रहे थे, तो काफी इजी है जब हम किसी काम को कर रहे थे। आगे बढ़ते गाइस, नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर दिया हुआ है कुड हैव। देखिए, कुड हैव आता है जब हमें यूज करना है, जब हम हिंदी में बोलते हैं कि हम किसी काम को कर सकते थे, ठीक है, लेकिन नहीं किया हमने, किसी कारण से नहीं हुआ। वह जा सकता था, तुम समझ सकते थे, मैं पढ़ा सकती थी, तो हम जब किसी काम को कर सकते थे, आप वहाँ पर कुड हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए। जैसे कि तुम मेरी प्रॉब्लम समझ सकते थे, तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा यू कुड हैव अंडरस्टूड। क्यों लगाया, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो यू कुड हैव अंडरस्टूड माई प्रॉब्लम, मतलब तुम मेरी प्रॉब्लम समझ सकते थे। वैसे ही वह पास हो सकता था, तो सेंटेंस हमारा क्या बन जाएगा, ही कुड हैव पास्ड। वह पास हो सकता था, हम बातें कर सकते थे, तो वी कुड हैव टॉक्ड। हम बातें कर सकते थे, तो सेंटेंस हमारा बन गया वी कुड हैव टॉक्ड। क्लियर, तो जब भी हम किसी काम को कर सकते थे, वहां पर हमें कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा लेनी है। आगे बढ़ते गए, हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर दिया हुआ है वॉज वर्ब प्लस अबाउट टू। देखिए, ये आपको कब यूज करना है, जब आप किसी काम को करने वाले थे, ठीक है, करने वाले थे। जैसे वह आने वाला था, मैं इस रूम को भी साफ करने वाली थी, मैं आपको कॉल करने वाली थी, वह मुझे बताने वाला था सच। तो जब हम किसी काम को करने वाले थे, वहाँ वॉज वर्ब के साथ में क्या जाएगा, अबाउट। जैसे वह एक नई कंपनी स्टार्ट करने वाला था, मैं इस बारे में उसे समझाने वाली थी, हम आज मिलने वाले थे। तो देखिए, इनको आप ट्रांसलेट करके देखिए, वह एक न्यू कंपनी स्टार्ट करने वाला था, ही वॉज अबाउट टू स्टार्ट अ न्यू कंपनी, मैं इस बारे में उसे समझाने वाली थी, आई वॉज अबाउट टू एक्सप्लेन हिम, ठीक है, आई वॉज अबाउट टू एक्सप्लेन हिम इज अबाउट दिस, मतलब इस बारे में, हम आज मिलने वाले थे, तो वी वर अबाउट टू मीट टूडे। यहाँ पर आपको सिंगुलर के साथ में वॉज का यूज करना है और प्लूरल के साथ में वर का, ठीक है, जिससे अगर आपके सब्जेक्ट में ही, She, it, किसी का नाम आ रहा है या फिर I आ रहा है, तो आप इसके साथ में क्या लगाएंगे, was लगाएंगे, और यू वी दे के साथ में हम वर का यूज करेंगे। सो गाइस, ये देखिए, ये वाले सारे के सारे स्ट्रक्चर्स। अब एक स्ट्रक्चर और बचा हुआ है, ये वाला चाहिए था, इसके लिए आपको should have के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना होता है, जब हमें किसी काम को करना चाहिए था। जैसे आपको जाना चाहिए था, हमें आना चाहिए था, आपको सच बता देना चाहिए था, आपको लिख लेना चाहिए था, तो यहाँ पर शुड हैव। अगर मैं कहूँ आपको लिख लेना चाहिए था, यू शुड हैव रिटन। आपको बोलना चाहिए था, यू शुड हैव स्पोकन। मुझे समझाना चाहिए था, आई शुड हैव एक्सप्लेन्ड। क्लियर, तो ये यूज होगा जब हमें किसी काम को करना चाहिए था। किसी सारे के सारे स्ट्रक्चर अब आपके लिए दिए हुए हैं, आप सोचेंगे कि इन्हें इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जा सकता है। ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स हमने अभी इस क्लास में पढ़े हैं, आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब आप इन्हें ट्रांसलेट करने की कोशिश करिए, देखिए कि इसमें से आप कितने स्ट्रक्चर्स ट्रांसलेट कर पा रहे हैं और कितने आपको सीखने की ज़रूरत है। आई होप गाइस, ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आपको मेरी ऑनलाइन पेड क्लासेस ज्वाइन करनी है, तो आप ये जो दिए गए नंबर है, इन पर आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। आपको मेरे 99 डेज कोर्स की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ये दो नंबर से। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।